जाने अनजाने में बच्चों को हम डाल रहे हैं खतरे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल वैन और बसों में जा रहे बच्चों की, जहाँ माता पिता अपने बच्चों को स्कूली बस और वैन में भेजते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। लेकिन उन्हें क्या पता कि वही वैन और बसों के चालक चंद रुपयों के लिए उनके बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। ऐसा ही एक वाक्या आज इंदौर के बंगाली चौराहे पर हुआ, जहां एक स्कूल वैन जिसमें 8 बच्चों को बैठाने की क्षमता है, उसमें वैन चालक ने 22 बच्चे बैठा रखे थे, जिसमें कर्नाटक विद्या निकेतन और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे थे। बंगाली चौराहे पर ड्यूटी कर रहे सूबेदार काजम हुसैन रिजवी ने उस वैन को रोक कर चालानी कार्रवाई कर वैन को थाने पहुंचाया और बच्चों को पुलिस जवानों के साथ उनके घर पहुंचाया। जी सर, बताएं किस तरह की कार्रवाई की गई वैन पर? एक वैन थी जिसमें स्कूली बच्चे बैठे हुए थे और वो 22 बच्चे बैठे हुए थे उसके अंदर, जो 7-सीटर गाड़ी 7+1-सीटर गाड़ी में थोड़ा सोचना भी मुश्किल पड़ता है कि किस प्रकार से बैठे होंगे। एकदम टूस कर बैठे हुए थे और उसमें 10-12 बच्चे लगभग ऐसे थे जो काफ़ी कंजस्टेड तरीके से बैठे हुए थे, और उस वैन को हमने रोका, उसमें बच्चे चेक किए, गिने 22 बच्चे बैठे पाए गए और उस वैन को जब्त किया गया है। जब्त करके जो है उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी, उसका चालान जो है वो RTO के पास भेजा जाएगा ताकि वो टैक्सेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सके। किस स्कूल की बसें थी वो? जो वैन है उसमें कर्नाटक स्कूल कनाडिया रोड के बच्चे थे और कुछ बच्चे जो है केंद्रीय विद्यालय जो चिड़ियाघर के पास में स्थित है वहाँ के। लगभग कब की गई है कार्रवाई? ये कार्रवाई लगभग अभी से 1.5 घंटे पहले की गई है और वैन को सुरक्षित यातायात थाने पूर्वी क्षेत्र में खड़ा किया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए आज चालान बना था। वैन में बैठे हुए बच्चों को कहाँ पहुँचाया गया? वैन में बैठे हुए बच्चों को, 2 स्कूल के बच्चे थे तो एक मैजिक के माध्यम से पहले उनको स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय जाना था उनको स्कूल का टाइम हो गया था वहाँ पहुँचाया गया और बाकी जो बच्चे तिलक नगर में निवास रखते उनको हमारे एक हेड साहब के द्वारा जो है गाड़ी में बैठे और प्रत्येक के घर पर उनको छोड़ा गया। उसके बाद आपका नाम बता दो। सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी, यातायात पूर्वी क्षेत्र इंदौर।